सर साइड प्रॉब्लम लिया गुरु सौ चलो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम भी इस जो तारीखी शादी है इसमें हम भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि हमें भी आज पहली मर्तबा इस हेलीकॉप्टर में बैठने का इत्तेफाक हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये अंदरूनी मनाजर भी आपको इस वक्त दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा मैन को बोलूँगा कि ये जिन लोगों ने अभी तक ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा वो देख सकते हैं कि ये इसके अंदरूनी मनाजर हैं। ये तमाम तर वो इसका सिस्टम है, यहाँ से ये ऑपरेट होता है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं ये इसके अंदरूनी मनाजर हेलीकॉप्टर के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम आपको आज़ाद कश्मीर की एक तारीखी और अनोखी शादी दिखाएंगे जिसमें आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो बारात है वो हेलीकॉप्टर पर दूल्हे को लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया होगा। तो आज हम ज़िला कोटली की तहसील चढ़ोई के गाँव किजलानी में मौजूद हैं। यहाँ पर आज जो बरतानिया के मशहूर शख्सियत है राजा अब्दुल रऊ उनके जो भाई हैं उनकी शादी और सबका चेयरमैन राजा मोहम्मद बशीर मरहूम के भतीजे और राजा मोहम्मद रशीद मरहूम के साहबजादे की शादी है। तो राजा नासिर बशीर जो ज़िला कोटली की सियासी व समाजी शख्सियत हैं उनके जो भाई हैं उनकी शादी है। तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम, क्या हाल नासिर भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक आप सुनाए? ठीक है नासिर भाई, ये हमारे इस आज़ाद कश्मीर की अगर कही जाए तो मेरे ख्याल से और हमारे इस इलाके में ये पहली शादी होगी जो बारात के लिए आपने हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया जी, है अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। ये नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। तो नदीम भाई हमारे छोटे कज़न और अजीज़ हैं जिनकी यही ख्वाहिश थी कि उनकी शादी पे हेली होना चाहिए। अच्छा। तो बच्चों की ख्वाहिश और अजीज़ों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किया और मज़ीद अवाम इलाका को इस चीज़ का इस मौके का उनको ये मौका दिया ताकि इस अपनी खुशी ये खुशी जो है हम सामने मिल बन कर मनाई जाए। नासिर भाई ये जो खुशी आप मना रहे हैं इसमें ये आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है कि क्योंकि इस पर तो लाखों रुपये मालियत खर्चा आया होगा। नदीम भाई ऐसा ही है, तो इसमें ये था कि पहले भी मैंने आपको बताया कि बच्चों की ख्वाहिश जो है उसको पूरा करने के लिए, तो बाकी बात जहाँ तक पैसों की है तो आपको पता है कि बंदा इसीलिए मेहनत मजदूरी करता है, तो वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। तो वो बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है इनका कहना है कि ये जो इनके भाई हैं उनकी जो ख्वाहिश थी कि उनकी शादी पर हेली मंगाया जाए तो इस वजह से उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं उनकी खुशी के लिए। तो हमारे साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं, इस वाले से उनसे बात करेंगे कि आपको यहाँ पर आपके गाँव में हेली मंगवाया गया है तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। बेसिकली छोटे की ख्वाहिश थी तो ज़ाहिर है मुनफरद करने का, तो उसने जो है ये किया है तो हम भी बहुत खुशी हुई है। समझते कि ये अली यहाँ पर आया है तो इसके जो चर्चे हैं ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर और बिल्कुल बिलखसूस सोशल मीडिया पर तो कई दिनों तक ये धूम मची रहेगी कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी शादी हुई है कि उसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने छोटे ने ये किया है कि वो भी चूँकि जो शादी के फंक्शन होते हैं ये ज़ाहिर ज़िंदगी में बार बार होते नहीं हैं, तो इस हवाले से उसने भी अपने इसके खुशी को जो है ना हमेशा याद रखने के लिए एक ऐसा इवेंट किया है जिस पे हमें भी खुशी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान नासिर है और आज हम बहुत खुश हैं। यहाँ पर हमारे गाँव में हेलीकॉप्टर भी आया है और सब बच्चे भी बहुत खुश हैं। हमारे साथ एक और छोटा बच्चा इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान नासिर। अरमान, ये बताएं कि आपके ये गांव में हेलीकॉप्टर आया है तो आपको कैसा लगा है? मैं बहुत अच्छा लगा, ये पहले तो हम फोटो उठ के देखते थे, अब हमारे सामने आँखों के आगे अब हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे चाचू की शादी भी है उनमें हेलीकॉप्टर पर, ये यहाँ पे पहली बार है, बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जी, पास से आज हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जी। ठीक है, कोई पिक्चर वगैरह बनाई है? जी बहुत बनाई है। साथ हेलीपैड के जो कैप्टन हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं कि आप ज़िला कोटली की तहसील चढ़ोई के गांव की जिलानी में यहाँ पर हेलीपैड को लेकर आए हैं, तो ये बताएं कि इस एरिया में पहले भी किसी बरात के लिए आप हेलीपैड को लेकर आए हैं? नहीं, हम पहले इसके कभी से नहीं आए। आज़ाद कश्मीर में? नहीं, आज़ाद कश्मीर कभी नहीं ले गए। तो ये पहली मरतबा आपको ये इतफाक़ हुआ, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका कहना है कि पहली मरतबा हम हेलीपैड को यहाँ पर शादी के फंक्शन के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इसको देखने के लिए यहाँ पर सेल्फियाँ बना रखे हैं। तो आज हेलीपैड यहाँ पर मंगवाया गया है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पहली बात जो ये बहुत अच्छी खुशी का मौका था, ये चेयरमैन बशीर साहब के भतीजे थे, माशाल्लाह अच्छी फैमिली है, सब साहिब इस्तात हैं, ना कि ये हेलीकॉप्टर का करते हैं और बाकी अखराजात भी करते हैं, ये लोगों गरीब गुरबा की मदद भी करते हैं। इस हवाले से ये पूरा गांव जो है ये पुरजोश है, और इस तरह की नौयत की ये यहाँ पे पहली शादी है। आज़ाद कश्मीर का जलानी जो गाँव है ये पहले भी जाना माना गाँव था, तो ये गांव साबका सीनियर वजीर हाजी राजा मोहम्मद अकरम मरहूम साहब का ये गांव है। ये गांव है और उन्हीं की मौजूदगी में एक दफ़ा ये पहले हेलीकॉप्टर आया था, और पहले भी आया था उनकी मौजूदगी में, जो कि ख्वाहिश थे और इसको पूरा कर रहे हैं। और हमारा जो अगला प्रोग्राम है कोट मीरपुर में, यतीम बच्चों के लिए हमने उधर वलीमा करना है, उनके लिए खाने का सारा प्रोग्राम है, तो अल्लाह ताला हर बंदे को हिम्मत दे। बहुत खैर मुबारक है आपकी, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। थैंक्स टू ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर बीइंग हियर। आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो पूरी दुनिया? उनको बोलूंगा वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, इट्स अ प्लेजर एंड एंजॉय द सीन्स। गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बड़ी तारीख का हिस्सा है, हेलीकॉप्टर जो है उस पर बरात ले जाना आना ये बड़ा मुश्किल काम है। इस खानदान को जिसकी आज बरात जा रही है, अल्लाह की तरफ से इन पे कर्म और फजल है। ये किलानी की तारीख में एक दफ़ा वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कय्यूम खान थे, जो उनका जहाज यहाँ लैंड हुआ था हाजी अकरम मरहूम साहब के दौर में, और दूसरी तारीख में यहाँ वैसे तो लोग खरबपति मिलियन हेर हैं, लेकिन पैसा खर्च करना बड़ा मुश्किल है। आज जनाब मरहूम मोहतरम इस इलाके की पहचान चेयरमैन राजा बशीर खान साहब के ख़ानदान से, जो उनके भतीजे की बरात जा रही है, उन्होंने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया, उस पर बरात जा रही है। ये सब हम सब लोगों की इज्जत है, इलाके की इज्जत है, ख़ानदान की इज्जत है। हमारे साथ इस वक्त राजा रऊफ जो बरतानिया के मरूफ कारोबारी शख्सियत हैं, उनके भाई की आज शादी है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर का जो यहाँ पर मंगवाया गया, तो इस वाले से उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि हमारे देखने वालों को ये आज आपने इस गाँव में बिलखसूस कोटली आज़ाद कश्मीर, अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो पहली मरतबा ऐसी शादी देखने को मिली है जिसमें हेलीकॉप्टर मंगवाया गया है। जी, ये हमारे छोटा भाई ज़ुबैर खान की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी को इस तरह अरेंज किया जाए, तो हमने कोशिश की है, तो चलो सब फैमिली और दोस्तों की सपोर्ट से सारा कुछ हुआ है, और बस यही है। और नेक्स्ट हमारा जो है कि कोट मीरपुर जो यतीम बच्चों का है ना अदारा, उसमें हमारा वलीमा करने का प्रोग्राम है, और उसके अलावा भी हम अपने चैरिटी का काम करते रहते हैं। इधर अपने गांव में हमने एम्बुलेंस चलाई हुई है फ्री ऑफ कास्ट, और इसी तरह के छोटे मोटे मामला हम करते रहते हैं, और बस अवाम इलाका के जो मसाइल हल करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जो इस शादी की तकरीब है, इसका जो वलीमा है मीरपुर जो कोर्ट है उसमें यतीम बच्चों के लिए वहाँ पर भी वलीमा किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हल्का चढ़ोई के जो साबका उम्मीदवार हैं और साबका सीनियर मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर आजी राजा मोहम्मद अकरम मरहूम के फरजंद राजा आफ्ताब अकरम, जो इस वक्त हल्का चढ़ोई के उम्मीदवार हैं, वो मौजूद हैं, तो ये उनकी फैमिली की शादी है, तो इस वाले से उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले सलाम जी। सर, ये जो आज आपके गाँव में शादी है, यहाँ पर जो दूल्हे की फरमाइश पर हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को ज़रा थोड़ा सा बहुत मेहरबानी शुक्रिया। आप हमारे गाँव तशरीफ लाए हैं, ये मेरे ख़ानदान के, ये मेरे करीबी रिश्तेदार हैं और इनके कारोबार हैं यूके में, सब भाइयों के अलग अलग कारोबार हैं, और ये जो है ना वो उस लिहाज से जो है ना ये गांव की भी खिदमत करते हैं, अपने यहाँ के गांव के गरीब गुरबा की भी खिदमत करते हैं, और ये भी इनका शौक है और ये अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ये आवाम इलाका या जो हकदार हैं उनकी खिदमत वो कर रहे हैं, लेकिन ये उनके भाई की उनका कहना है कि फरमाइश थी कि जो मेरी शादी है वो सबसे अनोखी अलग होनी चाहिए। ये भाई की, बड़े भाई की को उसने फरमाइश की थी कि मेरी शादी जो है ना वो अलग थलग होनी चाहिए, तो वो बड़े भाई ने उसका शौक, छोटे भाई का शौक पूरा किया है। तो ये बहुत अच्छा, हमने हम भी देखते रहते हैं कि जो राजा रऊफ साहब हैं ये अवाम इलाका यहाँ इस बात की गवाही दे रहे हैं। उसके अलावा जो हमने एक मरतबा पहले देखा था कि डीएचक्यू कोटली में भी उन्होंने कुछ सामान मुहैया किया था,
तो ये फलाई कामों में काफ़ी आता किस्सा लेते जी जी बिल्कुल। ये हमारे गांव में भी और बाहर भी जो इन्होंने डायलिसिस मशीनें भी दी थी DHQ में और बाकी भी जो है ना जो अपना इलाके के फलाई काम हुए थे वो सब बढ़ चढ़ के हिस्सा दे रहे हैं इसमें। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको बरकत दी है और ये नेक और अपने सही काम कर रहे हैं देनदारी से और अल्लाह ताला ने बरकत दी और अब आज उन्होंने अपने भाई की ख्वाहिश का पूरा किया है उसकी मर्जी के मुताबिक जो उन्होंने यह शादी की है। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है तो हमारे साथ राजा मंसूर साहब भी मौजूद हैं, वो उनसे भी बात करते हैं कि वो शार्ट क्या मैसेज देंगे। आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आप तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त निकाल के और इस पूरे इवेंट को अपने कवरेज दी और इस चीज़ को लोगों तक जो है ना जो एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की जो ख्वाहिश पूरी की है वो एक मैसेज है। एक हमारा जो एक भाईचारे की एक रवायत है उसको इन्होंने बरकरार रखा और ये इस चीज़ को उन्होंने इसके अलावा भी जितने भी यहाँ पे फ्लाई काम है उस पर रोज सब जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे और हमारी दुआ है कि इस ख़ानदान का ये सिलसिला जारी और सारी रहे और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो हमारे साथ एक बड़े ही मुतहरक नौजवान है, इनका नाम क्या नाम है जी? जी राजा हसन शौकत। राजा हसन शौकत, आप आज के इस इवेंट के हवाले से क्या? सबसे पहले तो नदीम साहब आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और राव साहब जैसे कि पहले बता चुके हैं बड़े गरीब परवर इंसान हैं, वो वैसे भी गरीबों की भी बड़ी जो है ना वो सपोर्ट करते हैं और उनके भाई की हमारा भी भाई है ज़ुबैर, उसकी ख्वाहिश थी तो वो उनने पूरी की है तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ये पूरी जो तकरीब है इसको आपने इंजॉय किया, ये जो आज की तकरीब है ये एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की फरमाइश पर ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर मंगवाया और उसमें बैठाया गया और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो बारात है यहाँ से बड़ी तादाद में जो रेंज रोवर या दीगर जो गाड़ियाँ हैं देख सकते हैं कि हम भी इस जो तारीखी शादी है इसमें हम भी लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं कि हमें भी आज पहली मरतबा इस हेलीकॉप्टर में बैठने का इत्तेफाक हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये अंदरूनी मनाजर भी आपको इस वक्त दिखाएंगे, मैं अपने कैमरा मैन को बोलूँगा कि ये जिन लोगों ने अभी तक ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा वो देख सकते हैं कि ये इसके अंदरूनी मनाजर हैं, ये तमाम तर वो इसका सिस्टम है, यहाँ से ये ऑपरेट होता है, ये इस वक्त आप देख सकते हैं ये इसके अंदरूनी मनाजर हेलीकॉप्टर के। कौन सी ये देख सकते हैं कि ये जो है हेडफोन है, ये जो यहाँ पर जो ड्राइव कर रहे होते हैं, कितने लोगों की यहाँ पे गुंजाइश है बैठने की? ये आप देख सकते हैं जी ये तीन सीटें फ्रंट पर लगी हुई हैं और चार आदमी पीछे इस के बैठ सकते हैं, चार नशिस्तें यहाँ पर पीछे हैं इसके।